हल्द्वानी में बीजेपी की रैली होने वाली है। बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। रामलीला मैदान हल्द्वानी में होने वाली रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। वहीं रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त नकल विरोधी कानून बनाने के लिए आभार व्यक्त करेंगे। विकास शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से सख्त कानून बनाया है, उस कानून से पूरे देश के युवाओं में उत्साह है। महाराष्ट्र और गुजरात में सरकारें भी उस कानून के प्रति अपने राज्य के लिए मांग कर रहे हैं। ये कानून इतना लोकप्रिय है। रुद्रपुर से महेश मंडल की रिपोर्ट। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के सख्त नकल कानून बनाने के समर्थन में युवाओं द्वारा आभार रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में पूरी नैनीताल लोकसभा से लगभग 10,000 युवा भाग ले रहे हैं। नकल विरोधी कानून माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बनाया है, ये इस कानून की चर्चा उत्तराखंड में नहीं पूरे देश के अंदर हो रही है। आज महाराष्ट्र सरकार हो चाहे गुजरात सरकार हो, वो भी इस कानून का डाटा मांग रहे हैं कि किस प्रकार से कानून बना है, और इस कानून से उत्तराखंड के युवाओं के अंदर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है।